हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशान गुप्ता। दोस्तों, दैवतन स्विफ्ट में आज हम बात करेंगे ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट कलर आप किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप के लीनियर ग्रेडियंट या आपका रेडियल ग्रेडियंट या आपका किस तरह से ग्रेडियंट कलर को स्टॉप करके आप UI बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों। और भी एक है जो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, वो है दोस्तों आपका एंगुलर, ठीक है। एंगुलर ग्रेडियंट किस तरह से यूज़ होता है, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो ग्रेडियंट के लिए दोस्तों हमें कुछ वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि ग्रेडियंट कलर के लिए हेल्पफुल रहेंगे कि आपका सेंट्रल वैल्यू जो रहेगी या काउंट कितना रहेगा, डिग्री, क्योंकि एंगुलर की बात कर रहे हैं तो डिग्री वेरिएबल भी रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रेडियंट बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ग्रेडियंट आपका होगा ग्रेडियंट टाइप का, यहाँ आपका ग्रेडियंट, हाँ ग्रेडियंट टाइप का रहेगा दोस्तों, ठीक है। एक बार इसको ब्लेंड मार देते हैं तो आई होप यहाँ पे कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मैंने इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया, तो दोस्तों इसको भी अभी इनिशियलाइज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले और अपना स्टेट प्रॉपर्टी बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एनिमेशन का भी थोड़ा यूज़ करेंगे। एनिमेशन तो मैं बाद में आपको समझाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रो यहाँ पर दे देंगे क्योंकि बहुत ईजी है आपको स्विफ्ट UI में एनिमेशन, ठीक है, क्योंकि मुझे यूज़ भी करना है तभी आपको ग्रेडियंट कलर में क्लियर कर पाऊँगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं एनिमेशन भी यूज़ करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मुझे वेरिएबल बनाने हैं। पहला वेरिएबल जो हमने ग्रेडियंट का बनाया, दूसरा दोस्तों स्टेट प्रॉपर्टी बनाएंगे, सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, कौन सी सेंट्रल वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। और वो आपका यू होगा टाइप यूनिट पॉइंट, ठीक है, कि आपका कौन से पॉइंट से आपका ग्रेडियंट स्टार्ट होना है, सेंट्रल वैल्यू रखनी है, वो आपका ये बताएगा। यहाँ पर दोस्तों एक और वेरिएबल लेंगे, प्राइवेट वेयर काउंट इक्वल ज़ीरो, ठीक है। इस नाम से पता चल रहा है काउंटिंग ग्रेडियंट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, या किस तरह से इसकी ग्रेडियंट की जो आपकी क्वांटिटी है बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। एक दोस्तों हम बना लेते हैं प्राइवेट वेयर डिग्री, जो कि एंगुलर की बात कर रहे हैं, एंगुलर के लिए। तो हमें यहाँ पर डिग्री ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। डिग्री आपकी क्या होगी, डबल टाइप की होगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, एक एरे लेंगे, यूनिट पॉइंट एरे, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या ले रहा हूँ मैं। यूनिट्स में हम डिफाइन करेंगे आपका यूनिट पॉइंट एरे, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या सेव करोगे दोस्तों, यूनिट पॉइंट डॉट बॉटम, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो यूनिट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बॉटम से, और आप क्या इसमें दे सकते हो, ठीक है, बॉटम लीडिंग दे दो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ क्या दे सकते हो दोस्तों, सारे बॉटम के पहले ले लेते हैं, लीडिंग हो गया, ट्रेलिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेंट्रल पे आएंगे दोस्तों, सेंटर आ गया, फिर लीडिंग आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका एरे आप डाल दोगे, इस तरह से आपका जो ग्रेडियंट होगा वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम टॉप ले सकते हैं दोस्तों, टॉप डाल देते हैं, ठीक है। ये आपका आ जाएगा टॉप लीडिंग या ट्रेलिंग, जो भी आपको लेना है। लेट्स ट्रेलिंग ले लेते हैं पहले, ठीक है, लेट्स टॉप लीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। और एक आपका बचा ट्रेलिंग, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, यूनिट पॉइंट एरे बना दिया। ये आप सिक्वेंस चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, ग्रेडियंट भी चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और साथ में हम क्या लेते हैं, एंगल भी ले लेते हैं, ठीक है, कि हमारे जो एंगल रहेंगे वो कहाँ से आपका कौन से आइडेंटिफाई रहेंगे, ठीक है, 0, 45, 90, 135, ठीक है, 180। इसको हम अभी सेंड करेंगे नीचे, ठीक है, कंफर्म करेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे 315 ले लेते हैं और एक आपका 360 ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका दोस्तों डिग्री बन गया। अब दोस्तों ये जो आपकी एरर आ रही है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशिएट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, इनिशिएट वैल्यू, दैट मीन इनिशियल वैल्यू। तो सबसे पहले तो ग्रेडियंट डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। ग्रेडियंट में क्या डालेंगे, ग्रेडियंट ले लेंगे पहले तो, ठीक है। और ग्रेडियंट में आप कलर ले लेंगे, ये स्टॉप का मैं बाद में बताऊँगा आपको आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले कलर ले लेंगे, ठीक है। कलर में दोस्तों हम क्या डिफाइन करेंगे, देख ही रहे एरे ऑफ कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर ले लेते हैं,
डॉट जो भी आपका ग्रेडियंट, आप कलर लेना चाहते हैं ब्लू ग्रीन रेड, रेड ले लो ठीक है, साथ में आपको जो भी लेना है वो कलर ले लो, लेट्स ब्लू क्लियर ग्रे ग्रीन ऑरेंज ले लेता हूँ ठीक है। वो ग्रेडियंट आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप कौन सा कलर ले रहे हो ठीक है। यहाँ पर ये देखिए डिग्री आपका में प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, कुछ हमने इश्यू कर दिया क्या? लेट डिग्री, डिग्री हमने ऊपर भी ले रखा है ना, तो ये डिग्रीज हो जाएगा, सेम नेम हो गया ना, ये डिग्री हो गया डिग्रीज ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू इनिशियलाइज़ करेंगे सेंट्रल वेल ठीक है, ये आपका स्टेट आ जाएगा ठीक है। स्टेट हमें क्या है, इनिशियल वैल्यू देनी है क्योंकि आपका स्टेट टाइप का है, आपका सेंट्रल काउंट डिग्री सब, तो हमें ये सेंट्रल की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमने डिग्री की नहीं दे रखी है, तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो दोस्तों रखेंगे वो मैं रखूँगा यूनिट पॉइंट डॉट सेंटर ठीक है, इस सेंटर वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे ऐसे ही दोस्तों डिग्री भी दे देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट डिग्री जो मुझे रखनी है, तो ये भी एक स्टेट है। तो देखिए स्टेट की वैल्यू इनिशियलाइज़ करने के लिए सिंपल इनिशियल वैल्यू लूँगा कि इनिशियल में आपका कौन सा एंगल रहेगा ठीक है, लेट्स एंगल में अभी ज़ीरो रखता हूँ ठीक है। तो ये आपका इनिशियल वैल्यू होगा, देखिए अब कोई भी एरर नहीं आ रही है दोस्तों यहाँ पे ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट डालेंगे ठीक है, तो ग्रेडियंट दोस्तों किसी व्यू पे डालेंगे ठीक है। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ सर्किल ठीक है, सर्किल में नॉर्मल सर्किल ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ या मॉडिफायर को मैं इसको यूज़ करूँगा ठीक है ग्रेडियंट डालने के लिए। तो यहाँ पर फिल करूँगा, फिल के अंदर दोस्तों मैं क्या लूँगा, एंगुलर ग्रेडियंट जिसकी मैंने बात करी थी ठीक है। तो एंगुलर ग्रेडियंट में आपका क्या आ रहा है ये देखिए, आपको क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें हम उठा लेते हैं यहाँ से। हमें दोस्तों एंगल तक चाहिए ठीक है, ये वाला इस बार हमें अभी ये उठाएंगे एंगुलर ग्रेडियंट में ठीक है। तो यहाँ पर हमने ग्रेडियंट, ग्रेडियंट तो आपको पता ही है हमने बना रखा है, तो ग्रेडियंट डाल देंगे दोस्तों ठीक है। सेंटर आप देख ही रहे हैं, तो सेंटर वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर ठीक है, और एंगल में आप क्या डाल दोगे दोस्तों, नॉर्मल डिग्री ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एंगल में, एंगल आप ले रहे हो तो पहले एंगल बनाएंगे ठीक है, एंगल उसके अंदर देखेंगे डिग्री ठीक है। रेडियस वाला करेंगे तो रेडियस डाल देंगे, डिग्री करने तो डिग्री डाल दिया दोस्तों, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डाल दिया है, एक बार इसको रिज्यूम कर लेते हैं, साथ साथ हमें पता चलता रहेगा हमारा ग्रेडियंट कैसा चल रहा है ठीक है कैसा। ये देखिए आपका ग्रेडियंट ये दिखाई दे रहा है यहाँ से इधर, अगर मैं यहाँ पे ऊपर में से 90 कर दूँ ठीक है, तो यहाँ पे रिज्यूम करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए 90 आपका यहाँ से हो गया, आपका ग्रेडियंट कलर किस तरह से चेंज हो रहा है ठीक है, क्योंकि ये एंगुलर ग्रेडियंट है तो आपको इस तरह से ये दिखाई दे रहा है दोस्तों ठीक है। इसमें थोड़ा सा दोस्तों और हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, यहाँ पर इसका फ्रेम ले लेते हैं ठीक है, फ्रेम आपको जो रखना है वो रख लीजिए, लेट्स मैं तो पैडिंग दे देता हूँ ठीक है। ये देखिए थोड़ा छोटा हो गया, बाकी आपको फ्रेम छोटा करना है, इसको बड़ा करना है वो आप फ्रेम दे के लिख कर सकते हैं ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एनिमेशन देते हैं ठीक है। अब ये देखिए एनिमेशन में आपको दोस्तों क्या चूज़ करना है, तो सबसे पहले हम सिंपल एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन ले लेंगे ठीक है। अब यहाँ पर एनिमेशन उठाएंगे, एनिमेशन ठीक, यहाँ पे ईजी इन आउट ठीक है, जो आपको एनिमेशन यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। ईजी इन आउट लिया, इसके अपनी ड्यूरेशन है ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो ड्यूरेशन आप डाल दो दोस्तों वन ठीक है। ईजी इन आउट में हम ड्यूरेशन क्या रख रहे हैं, वन रख रहे हैं ठीक है। और इस एनिमेशन को हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉपर्टी दे देंगे, आप देख रहे हो यहाँ पर रिपीट काउंट, रिपीट काउंट, रिपीट फोर एवर ठीक है, रिपीट ऑटो रिजर्व, इसको क्या कर दूंगा दोस्तों मैं ट्रू कर दूंगा ठीक है। एनिमेशन मैं आपको बाद में समझाऊंगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो एनिमेशन का ही रखेंगे ठीक है, वो काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे और हमें क्या मिल सकता है, इसकी स्पीड देख लेते हैं। हाँ स्पीड कितनी रहेगी दोस्तों ठीक है, स्पीड हम वन रख देते हैं ठीक है। ये आपका दोस्तों एनिमेशन अभी दिखाई नहीं देगा, जब रन करेंगे तो आपका एनिमेशन आ जाएगा ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा एनिमेशन तो आ गया, लेकिन यहाँ बाहर अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जब ये अपीयर होगा तो कब अपीयर होगा, तो उसके लिए हम कोट करेंगे ठीक है, डॉट अपीयर करके।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सेल्फ डॉट या वैल्यू चेंज करेंगे, क्या आपकी सेंट्रल वैल्यू में क्या आ जाएगा जब वो चेंज हो रहा होगा, तो सेल्फ डॉट आपका आता है यूनिट पॉइंट एरे, ठीक है, उसमें दोस्तों क्या आ जाएगा आपका सेल्फ डॉट काउंट, ठीक है, और मॉड निकालेंगे दोस्तों किसके थ्रू, सेल्फ डॉट यूनिट सेल्फ डॉट यूनिट पॉइंट, ठीक है, एरे डॉट काउंट। तो यहाँ क्या होगा सेंट्रल वैल्यू में दोस्तों क्या आ जाएगा, इंडेक्स कौन सा उठाएंगे, जैसे आपका सेल्फ काउंट कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे हमने जीरो है, लेट्स सी, यहाँ मोड निकाल रहे हैं तो आपका सेल्फ काउंट जो यहाँ पे 12 होगा वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कब चेंज होती रहेगी, जैसे कि हम कर देंगे यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल 1, इंक्रीमेंट होता जाएगा तो यहाँ से मॉड चेंज होता जाएगा, तो वैल्यू कलर की चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रल वैल्यू हमारी चेंज हो रही है दोस्तों यहाँ पे, ध्यान दीजिए। और साथ ही मैं क्या करूँगा, डिग्री को भी चेंज कराऊँगा, एंगल भी चेंज होने चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ कोड लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। वो आपका क्या आ जाएगा डबल, तो डबल में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं, नॉर्मल डबल में डाल देते हैं, क्या डालेंगे, सेल्फ डॉट डिग्री, ठीक है, डिग्रीज, और यहाँ पे वही एरे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट पहले तो यहाँ से यहाँ तक ये उठा लेते हैं दोस्तों, ठीक है, और यहाँ डाल देंगे डिग्री ऑफ काउंट, ठीक है, कि डिग्री का भी आपका क्या हो, वैल्यू चेंज होती रहे, जब हमारा रिपीट फॉर एवर हो रहा है, हर एक ऑन अपीयर पे जब आपका अपीयर हो जाएगा एनिमेशन तो ये कॉल होगा, ठीक है, फिर इंक्रीमेंट काउंट 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर अपीयर होगा, फिर काउंट 2 हो जाएगा, फिर अपीयर ऑफ काउंट 3 हो जाएगा, तो यूनिट वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू और डिग्री वैल्यू चेंज होती रहेंगी, जो कि आपका व्यू को रेंडर कर देंगी, तो कलर यहाँ पे चेंज होता जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है यहाँ पे किस तरह से ये चल रहा है अभी एनिमेशन को, और अच्छी तरह मैं दोस्तों आगे बताऊँगा, ठीक है, अभी तो आप इतना नॉर्मल समझिए इसको। तो अब दोस्तों एक बार रन कर लेते हैं इसको और देख लेते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको रन कर दिया है, रन होने के बाद हमारा एनिमेशन आई होप स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा और चेंज करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ये देखिए दोस्तों, ये आपका एनिमेशन आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, यहाँ ज़ीरो कर देता हूँ इनिशियल वैल्यू, तब देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिलेगा। आपका हो रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये आपका एनिमेशन आ गया, इस तरह से आपका क्या हो रहा है, एंगुलर आपका चेंज हो रहा है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर आ गई हो गई होगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक चीज़ जो रह गई थी, ठीक है, क्या करते हैं इसको फ्रेम हटा के अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्ट्रोक, अभी तो इस तरह से हो रहा है, अब मैं चाहता हूँ सर्कल वाइज आपका चेंज हो, क्योंकि जैसे आपने एक्टिविटी में देखा होगा अपने आईफोन की, ठीक है, कि आपका जो सर्कल वो तीन आपके रहते हैं एक्टिविटी, ग्रीन, रेड और, ठीक है, तो वो इस तरह से आपका क्या है, प्रोग्रेस आपकी दिखाते हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पे एनिमेशन हम लगाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक, और साथ में दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा आपका, स्ट्रोक में हम यूज़ करेंगे नॉर्मल स्ट्रोक यूज़ कर लेते हैं, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा एंगुलर, एंगुलर ग्रेडियंट, ठीक है, स्ट्रोक के अंदर साथ में ग्रेडियंट दे देंगे इसको। एक मिनट, एक बार चूज़ तो कर लें कि हमें क्या मिल रहा है, क्या हम सही भी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे आपका ये आ चुका है, ठीक है, यहाँ डाल देंगे केवल सेंटर तक ले लेते हैं दोस्तों, ग्रेडियंट और सेंटर डालते हैं, तो यहाँ पे हम लेते हैं ग्रेडियंट, 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 कोई नहीं, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, हमने इसको लाइव कर रखा है तो आई होप यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। यहाँ डाल देंगे सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपका स्ट्रोक में यूज़ करूँगा मैं लाइन विड्थ, कितनी मुझे रखनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 120। और एक बार दोस्तों इसको क्या करेंगे, रन करके देख लेते हैं हमें क्या मिलेगा,
ठीक है, STROCK। सेंटर वैल्यू की स्पेल गलत है तो इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ से सेंट्रल वैल है हमारा, ठीक है, तो ये आपका आ चुका है दोस्तों। अभी इसको रन होने दीजिए, ठीक है, फिर आपका ये दिखाई देगा किस तरह से चलेगा ये एनिमेशन। हमने तो स्ट्रोक दे दिया, स्ट्रोक में जैसी लाइन विड्थ आप जितनी देंगे, देखिए सर्किल आपका बन गया। ये देखिए दोस्तों, ये आपका बन रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 90 कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे किस तरह से ये एनिमेशन यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट कलर में एनिमेशन लगा सकते हैं, जैसे आपका मन करे। यहाँ कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दो, यहाँ मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तब देखते हैं दोस्तों ये कैसा दिखाई देगा। मैंने ब्लू कर दिया इसको, इसको रन होने देते हैं, फिर हम बात करेंगे दोस्तों। ये देखिए, अब ये आपका एनिमेशन बन गया। ये 90 डिग्री, ये कितने एंगल पर चल रहा है वो आप देख लीजिए। या फ्रेम को डिफाइन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों। लेट्स में दे देता हूँ 45, ठीक है। 45 एंगल पे आपका ग्रेडियंट कैसे चलेगा वो आपको अभी दिखाई दे जाएगा। यहाँ रन हो रहा है, ये रन होने दीजिए। ये देखिए, ये आपका 45 में इस तरह से बन गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं दोस्तों, एनिमेशन आप लगा सकते हैं ग्रेडियंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंगुलर ग्रेडियंट यूज़ किया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ आप चाहो तो एनिमेशन हटा दो, ठीक है। नॉर्मल आपका व्यू फिर कैसा दिखाई देगा, नॉर्मल इस तरह से आपका दिखाई देगा। तो आप कैसे भी ग्रेडियंट यहाँ लगा सकते हो जैसा आपका मन करे दोस्तों। यहाँ 180 कर दोगे तो वो अपने हिसाब से चेंज हो जाएगी उसकी विड्थ, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सर्किल अभी रहने देते हैं, इसको अभी चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पड़े रहने दीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों लीनियर ग्रेडियंट की। ये था एंगुलर ग्रेडियंट, अब बात करेंगे लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर से ही पता चल रहा है कि या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपका वर्क करेगा। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट प्रॉपर्टी ले लेंगे ग्रेडियंट कलर की, ठीक है, क्योंकि लीनियर की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे प्राइवेट आपका आ जाएगा, ठीक है, प्राइवेट वेयर, और यहाँ ले लेंगे ग्रेडियंट, जो भी आपको कलर रखने हैं ग्रेडियंट कलर, ठीक है। यहाँ हम डालेंगे कलर, और दोस्तों यहाँ हम लेंगे जो भी आपको कलर स्टार्टिंग से रखने हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ ग्रीन कॉमा रेड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो, ये आपका कलर आपके आ गए, ठीक है। यहाँ दोस्तों मैं यूज़ करूँगा जेड, आपका जेड नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ से हॉरिजॉन्टल करके इसको कैपिटल जेड कर देते हैं। तो ये आपको जेड स्टैक हमें मिल गया, ठीक है, सर्किल में। अब यहाँ दोस्तों मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ यूज़ करना है रेक्टेंगल, ठीक है, नॉर्मल रेक्टेंगल पे काम करेंगे। अभी हमने उस पर काम किया था, इसको रन हटा देते हैं, ठीक है, रिज्यूम मार देते हैं। अब दोस्तों वही काम करेंगे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों क्या कर लेते हैं, कस्टमली एक मेथड बना देते हैं, ठीक है, जो हमें क्या करेगा, रैंडम कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाते हैं, प्रोवाइड रैंडम कलर, ठीक है, जो हमें क्या रिटर्न करेगा दोस्तों, कलर, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले आर, ठीक है, डबल डॉट रैंडम, रैंडम ले लेते हैं, रैंडम इन ले लेते हैं, रेंज कितनी रखनी है आपको वो रख लीजिए, 0.1, ठीक है, सबकी रेंज यही रख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे आर होता है, जी होता है और वी होता है, ठीक है, RGB कलर आपने पढ़ी है, ठीक है। और यहाँ रिटर्न मैं कर दूँगा दोस्तों कलर, जो कि मुझे क्या देता है, RGB रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। यहाँ आपका आ जाएगा आर, जी और वी, ठीक है। तो ये सिंपली हमें क्या करेगा, कलर हमें रैंडमली कोई भी दे देगा दोस्तों, ठीक है। आई होप हमने यहाँ कोई मिस्टेक नहीं करी। यस,
ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैं पहले यूज़ करता हूँ फिल। ठीक है, फिल के अंदर हम लेंगे दोस्तों, पहले इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे लेते हैं लीनियर, लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, जो हमें स्विफ्ट यूआई प्रोवाइड कराता है। लीनियर ग्रेडियंट के अंदर आप देख ही रहे हैं, आपको एंड पॉइंट्स का आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो आप दे दो कि आपने जो ग्रेडियंट लिया है, तो ग्रेडियंट कहाँ से उठाएंगे, ग्रेडियंट से यहाँ पे कलर उठाना है। तो ग्रेडियंट कलर आपने ऊपर कौन सा डिफाइन कर रखा है, ग्रेडियंट कलर। ठीक है, और यहाँ हमें देना है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लोगे आप, बॉटम लीडिंग से ले लो। ठीक है, जहाँ से भी आपको लेना है, इट्स आप पे डिपेंड करता है। और दोस्तों कहाँ तक जाएगा, टॉप लीडिंग तक जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या लिया, ग्रेडियंट आपका ले लिया। आप यहाँ टॉप करो, बॉटम करो, सेंटर करो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए, पहला कलर क्या था, ग्रीन। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, बॉटम लीडिंग से। कहाँ तक जा रहा है, रेड तक। कहाँ पे, टॉप लीडिंग पे। तो ये देखिए किस तरह से आपका ग्रेडियंट कलर यहाँ बन गया, मिडिल में आपका क्या हुआ, ग्रीन रेड मिल गए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एनिमेशन देंगे। आप चाहो एनिमेशन दो या नहीं दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पर एनिमेशन थोड़ा देंगे। ठीक है, और वो हम देंगे दोस्तों जेड ब्लैक पे। ठीक है, यहाँ एनिमेशन दे देते हैं, एनिमेशन। ठीक है, तो एनिमेशन आप कौन सा दोगे, यहाँ पे एनिमेशन ले लेते हैं। कोई कई सारे होते हैं, इजी इन, इजी आउट, ये वाला हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो इजी इन ले लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, एनिमेशन तो हमने लगा दिया, अब हम कॉल करेंगे जेस्चर। ठीक है, जेस्चर भी दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊँगा इसी में। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आज ही इसको अपलोड करूँ साथ में जेस्चर को भी, और नकल कर देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से जेस्चर में, वहाँ जो मैं आप डिफाइन करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, वरना थोड़ा मैं यहाँ पे भी आपको कर ही रहा हूँ। तो एक आपका होता है जेस्चर प्रॉपर्टी या मॉडिफायर। ठीक है, उसके अंदर आप जेस्चर डाल सकते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा टैप जेस्चर, जो आप टैप करते हैं तो टैप जेस्चर यूज़ होगा। ठीक है, ये हमने टैप जेस्चर ले लिया। यहाँ पे इसका दोस्तों एक आपका होता है ऑन एंडेड, कि जैसे आप टैप जेस्चर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो एंड होगा तब आपको क्या परफॉर्म होना है, तो वो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे रख देते हैं, कोड हम ले लेते हैं। यहाँ पे जब टैब एंड होगा तो क्या होगा दोस्तों, सेल्फ डॉट ग्रेडियंट कलर को चेंज कर देंगे ना, सेल्फ डॉट ग्रेडियंट कलर प्रॉपर्टी ले लेंगे। ठीक है, और उसके अंदर दोस्तों क्या डाल देंगे, नॉर्मल हम डाल देंगे, सेल्फ डॉट ग्रेडियंट आपका क्या है, प्रोवाइड प्रोवाइड रैंडम कलर। ठीक है, और साथ में दोबारा क्या कर देंगे दोस्तों, सेल्फ डॉट प्रोवाइड रैंडम कलर। ये आपको क्लियर हुआ, ये जो आपके ग्रीन और रेड की जगह हमने क्या डाल दिया, प्रोवाइड रैंडम कलर, प्रोवाइड रैंडम कलर, यहाँ दोनों क्या आ जाएंगे, रैंडम कलर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ इधर मैं क्या करूँगा, जो एज आपका है, इग्नोर सेल्फ। ठीक है, इसको आप क्या कर दोगे दोस्तों, डॉट ऑल। अब देखिए ये पूरे में, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ दोस्तों, ठीक है, अभी कुछ हो रहा है नहीं। अगर मैं इस पर टैप करूँगा, देखिए कलर चेंज हुआ, टैप करूँगा कलर चेंज हुआ, टैप करूँगा कलर चेंज हुआ, टैप करूँगा कलर चेंज हुआ। तो किस तरह से आपने दोस्तों यहाँ पर लीनियर लेआउट यूज़ करके इस तरह का ग्रेडियंट कलर बैकग्राउंड आपने बना लिया। आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो पूरी ऐप में कहीं पर भी एज अ बैकग्राउंड, वो दोस्तों आप पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप इजीली ये बैकग्राउंड कलर भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका हो गया। अब दोस्तों हम इसी में देखते हैं थोड़ा सा और आगे, यहाँ हमने ले लिया, तो नहीं दोस्तों अभी इसमें इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे इसमें अब और हम देखते हैं, लीनियर में आपका इतना ही रहेगा। लीनियर के बाद दोस्तों हमारा आता है रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब ये रेडियल ग्रेडियंट होता क्या है, रेडियल ग्रेडियंट आपका रेडियस पे डिपेंड करता है। पहले आपने एंगुलर पढ़ा, फिर लीनियर पढ़ा, अब क्या है रेडियस पे। ठीक है, कि आप रेडियस किसी को दे रहे हो, तो उसके लिए हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हटा देंगे दोस्तों, सर्कल दे देते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, ग्रेडियंट कलर लेंगे जैसे पहले लिया था, ओके, और साथ में इसको हटा देते हैं, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
और दोस्तों स्टार्ट रेडियस और एंड रेडियस कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम अपनी स्टेट बना लेते हैं। प्राइवेट वेयर यहाँ आपका आ जाएगा ग्रेडियंट कलर, ठीक है। यहाँ हम डाल देंगे कलर, और कलर इक्वल डाल देंगे दोस्तों डॉट ग्रीन, ठीक है, डॉट रेड, पर्पल ले लो, ग्रीन ले लो दोस्तों, जो आपका मन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे और हम क्या ऐड कर देंगे दोस्तों, एक आपका एंड और एक स्टार्टिंग रेडियस, ठीक है। तो प्राइवेट प्राइवेट वेयर स्टार्ट रेडियस, ठीक है। प्राइवेट वेयर स्टार्ट रेडियस, रेडियस आपका किस टाइप में होता है दोस्तों, सी जी फ्लोट, सी जी फ्लोट, और यहाँ पे हम दे देंगे वन, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे एंड रेडियस ले लेते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा एंड रेडियस, जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक होगी, 1000 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, वही काम करेंगे। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं यहाँ पे जेड स्टैक, जेड स्टैक में हम यूज़ करेंगे दोस्तों पहले लीनियर, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, बैकग्राउंड के लिए। तो यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट में आप क्या लोगे, देख लेते हैं क्या क्या हमें चीज़ें हैं, ये रहा, ठीक है। ऊपर ग्रेडियंट तो हमारा है ही, ग्रेडियंट कलर हमने ले लिया, ठीक है, लेकिन ग्रेडियंट कलर हमें ऊपर वाला नहीं लेना है, अपना डिफाइन कर लेते हैं। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के अंदर कलर्स आएंगे, कलर्स के एरे में हम क्या करेंगे डॉट आपका ऑरेंज और कॉमा डॉट आपका पिंक, ठीक है। और दोस्तों स्टार्ट पॉइंट हम क्या रखते हैं, टॉप, ठीक है, और एंड पॉइंट क्या रखते हैं, टॉप, और यहाँ पे एंड पॉइंट रखते हैं बॉटम, ठीक है। एक बार इसको रिज्यूम कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा कैसे आपके दिखाई दे रहा है अभी, ऑरेंज पिंक के साथ ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और साथ में इसकी जो एज है वो क्या कर लेते हैं दोस्तों, सेफ एरिया ऑल, ये आपका क्या आ गया, बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर आपने ये ले रखा है तो ग्रीन ब्लू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस पर ग्रीन ब्लू अच्छा लगेगा। अब दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्किल लेंगे, ठीक है, सर्किल में फिल करेंगे, फिल में लेंगे रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट में आपका ग्रेडियंट आ गया, ग्रेडियंट में हम क्या डालेंगे, ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट में डाल देंगे ऊपर जो आपने ग्रेडियंट लिया है, ठीक है, तो वो है आपका ग्रेडियंट कलर, ठीक है। सेंटर पॉइंट हम क्या डालेंगे दोस्तों, सेंटर पॉइंट इसको दे देते हैं डॉट सेंटर, स्टार्ट रेडियस जो हमने यहाँ पर ले रखी है, स्टार्ट रेडियस यहाँ पर दे देंगे एंड रेडियस, ठीक है। एक बार क्या करते हैं दोस्तों, इसको रन करके देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। ये देखिए आपको ये दिखाई दे गया, यहाँ पे दे देते हैं इसको पैडिंग, ठीक है, पैडिंग आपने दे दी, आप फ्रेम भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ थोड़ा देते हैं इसको शेडो, ठीक है, शेडो में हम क्या दे देंगे, कलर, कलर ये रहा, ठीक है, कलर आप दे दो दोस्तों वाइट, आपने वाइट दिया। रेडियस इसको हम कितनी दे दें, लेट्स 25, और इंडेक्स आपका क्या रहेगा, 0, वाई भी 0, ठीक है। ये आपका शेडो इस तरह से दिखाई दे रहा है इस पर, ठीक है, आप देख ही रहे हैं यूआई कैसे कैसे चेंज होता जा रहा है। इसी पे दोस्तों हम क्या करेंगे, एनिमेशन आप चाहो तो लगा दो, ठीक है। ये तो नॉर्मल आपका क्या हो गया, रेडियल ग्रेडियंट आपने लगा दिया, लेकिन एनिमेशन के साथ अगर आपको चेक करना है ये किस तरह से होगा, तो एनिमेशन लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। एनिमेशन में हम क्या लेंगे, एनिमेशन डॉट इन आउट ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन में 1 डाल देते हैं, साथ में इसको कर देंगे रिपीट फॉर एवर, यस ऑटो रिसीवर, ठीक है। ये आपका एनिमेशन यहाँ हमने लगा दिया दोस्तों, और साथ में क्या करेंगे, ऑन अपीयर, जब आपका अपीयर होगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए वो भी परफॉर्म करा देते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारा सिंपल क्या करेंगे, जो आपका स्टार्ट रेडियस है और एंड रेडियस है इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, सेल्फ डॉट स्टार्ट रेडियस इक्वल सी जी फ्लोट। ठीक है, इसके अंदर चेंज करेंगे इंट में, इंट में क्या चेंज कर लेते हैं, सेल्फ डॉट स्टार्ट रेडियस, ये इसका हो गया, ये इसका बंद हो गया, ये इसका बंद हो गया, सेल्फ डॉट स्टार्ट रेडियस। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे इसका आ गया, यहाँ मोड कर देंगे। ठीक है, अब वो कर देते हैं 1000 से, ये आपका हो गया स्टार्ट रेडियस। यही हम क्या करेंगे एंड रेडियस के साथ कर लेंगे दोस्तों, एंड रेडियस। ठीक है, यहाँ पे भी क्या डाल देंगे, एंड रेडियस। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको रन अप होगा तो अब आप देखिए किस तरह से आपका ये यूआई चेंज हो रहा है। जब भी आपका अपीयर हो रहा है तो क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है दोस्तों। ठीक है, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ से आ रहा होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रेडिएंट कलर मैंने ग्रीन ब्लू आपको दे रखा है, यहाँ पे मैं रेड भी दे देता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। एक बार इसको रिज्यूम कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, जितने आप कलर लगाते जाओगे उतने कलर में क्या होगा, ये एनिमेशन आपका बन जाएगा। अब एनिमेशन को आप कुछ भी दे दो, यहाँ पे 0.2 कर दे, 3 कर देता हूँ, तो देखते हैं थोड़ा स्लो होता है क्या होगा। ठीक है, ये तो फास्ट काफ़ी हो गया, इस तरह से ये एनिमेशन हो गया। यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ तो देख लेते हैं तो आपका एनिमेशन क्या हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों किस तरह से ये आपका चेंज हो रहा है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एनिमेशन किस हिसाब से लगा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रेडियंट में हमारा ये भी आपका लीनियर हो चुका, लीनियर सॉरी रेडियल ग्रेडियंट हो गया है। ठीक है, रेडियस पे आपका वर्क करता है ये। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं कि आपका कलर किस तरह से स्टॉप करेंगे, कौन से पॉइंट पे कलर स्टॉप करना है, कौन सा कलर स्टॉप करना है, किस लोकेशन पे करना है। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका पूरा 1 हो गया या कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको क्या है, यहाँ पे कलर को डिफाइन करना है हमें, ये आपका यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक। ठीक है, तो अभी इसको हटा देते हैं और जेड स्टैक को भी क्या करते हैं, हटा ही देते हैं, यहाँ पे नॉर्मल क्या रख देते हैं, अभी टेक्स रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ग्रेडियंट इक्वल ग्रेडियंट। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेडियंट आपका क्या है, स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ स्टॉप आप बहुत देर से देख रहे थे लेकिन हमने यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, एरे लेंगे दोस्तों, एरे ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एरे तो पहले से है, एक सेकेंड, यहाँ हमने ये गड़बड़ कर दी, यहाँ से यहाँ क्या करते हैं, एरे ले लेंगे। ठीक है, और पहले हम क्या करेंगे, देखिए स्टॉप में आपका क्या था, इनिट, इनिट आपका क्या है, कौन सा आपका कलर है। ठीक है, लेट्स रेड। ठीक है, और यहाँ आपकी कौन सी लोकेशन है, लेट्स मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगला करेंगे, यहाँ पे इनिट आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा ब्लू। ठीक है, और लोकेशन मैं देता हूँ 0.3 कॉमा। ठीक है, इनेट डॉट इनेट आपका आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा दोस्तों ग्रीन। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ 4। एक को ले लेते हैं दोस्तों डॉट इनेट। ठीक है, यह भी कलर आपको क्लियर हो जाएगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको मैं दे देता हूँ ब्लैक और लोकेशन कर देते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडियंट डालेंगे दोस्तों, तो नॉर्मल हम ग्रेडियंट डाल देते हैं, जब इस तरह से आपने पहले ही बना रखा है ग्रेडियंट, ये देखिए। ठीक है, ग्रेडियंट डाल दिया दोस्तों आपने, स्टार्टिंग पॉइंट हम क्या करेंगे, यूनिट पॉइंट लेंगे। ठीक है, यूनिट पॉइंट, ओके, यूनिट पॉइंट कौन कौन से आपको देखिए, एक्स और वाई,
तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0 0, ठीक है, ऐसे इधर जाएंगे, यहाँ यूनिट पॉइंट लेंगे, ठीक है, और यहाँ क्या कर देंगे दोस्तों, एक्स वाई 0.5 0.5, ठीक है, और यहाँ हम कर देंगे आपका कंप्लीट एज एरिया डॉट। और अब देखिएगा दोस्तों होगा क्या, जैसे ही मैं यहाँ रिज्यूम करूँगा अभी आपको दिखाई दे जाएगा मैंने किया क्या है। ये देखिए दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है कितना प्यारा आपका ये बन चुका है, किस तरह से आपका ग्रेडियंट कलर, यहाँ पे अगर मैं 0.3 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा आपका, देखिए अभी प्रिंट होने, ये देखिए 0.3 आपका हो गया, लेकिन यहाँ इसको अभी यही रहने देते हैं, और यहाँ पे एक बार मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों हमारा किस तरह से कलर आता है। ये देखिए किस तरह से आपका चेंज हो गया है, ठीक है, आप चाहो तो इसको 0.5 कर देते हैं, इसको 0.2 कर देते हैं, ठीक है, और इसको एक बार रन करके देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। ये देखिएगा दोस्तों, ये आपका जैसे आप रखना चाहो आप वैसे रख सकते हो दोस्तों, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, यहाँ पे 0.7 ले लेते हैं, ठीक है, अब देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। तो दोस्तों यहाँ क्या है, कलर आपका क्या है लीनियर वाइज आपका आ रहा है, ठीक है, और ये एंड पॉइंट जो आपने दे रखा है कि कहाँ पे एंड हो रहा है, तो वो उसी तरह से एंड हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं 1 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो देखिए पूरा नीचे तक आपका कलर आ रहा है कि हाँ ये रहा, और यहाँ पे अगर मैं 1 कर देता हूँ तो देखिए और कितना अच्छा हो जाएगा, वाइट कलर 1 पे है तो वो वाइट 1 पे आ जाएगा, ये देखिए नीचे 1 पे आ गया है। इस तरह से दोस्तों आप देखते होंगे आपके जो आईफोन है उसके जो बैकग्राउंड कलर आते हैं वो किस तरह से आप ग्रेडियंट कलर इस तरह से बना सकते हैं खुद के, ठीक है, तो ये दोस्तों आपका ग्रेडियंट कलर है जो कि आपने देखा। अब एक और बात करते हैं दोस्तों इमेज पेंट की, ठीक है, कि इमेज के ऊपर ग्रेडियंट किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, पहले तो इसको हटाते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जेड स्टैक, ठीक है, और सर्कल, ठीक है। अब इमेज पेंट करना है दैट मीन्स इमेज को आपको यूज़ करना है, ठीक है, इमेज के साथ हम कैसे ग्रेडियंट कलर में वर्क कर सकते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं इमेज पी दैट मीन्स इमेज पेंट, ठीक है, ये आपका आ जाएगा इमेज पेंट, इमेज पेंट ये आपका आ गया, ठीक है, यहाँ हमसे मांग रहा है इमेज स्केल सोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम इमेज डाल देंगे, इमेज हमारे पास पहले से है, लेट्स हम डाल देते हैं 1, ठीक है, सोर्स रिएक्ट नहीं रिक्वायर्ड है, स्केल आपका कितना रखना है 0.2, ठीक है, अब यहाँ देखिए हम यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोक, स्ट्रोक में मैं डाल देता हूँ दोस्तों इमेज पी, ठीक है, और यहाँ देता हूँ लाइन विद, ठीक है, 70, अब देखिएगा यहाँ इसको रिज्यूम करते हैं, सर्किल के अंदर हमने क्या किया दोस्तों, ये देखिए इमेज हमारी क्या आ गई, सर्किल में आ गई है, ठीक है, उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसको पैडिंग दे देता हूँ, ओके, पैडिंग हमें बाद में देनी पड़ेगी जब आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और पैडिंग भी मैं सर्किल की जगह दे देता हूँ जेड स्टैक को, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली पैडेड हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ आपका सर्किल आ गया दोस्तों, ठीक, अब यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, पैडिंग आपका ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो इसको दे देता हूँ फ्रेम, ठीक है, फ्रेम में दे देते हैं यहाँ पे हम विद, ठीक है, विद दे देता हूँ मैं 150, और हाइट दे देता हूँ मैं 200, ठीक है, ये आपका हमने यहाँ फ्रेम दे दिया, ये पैडिंग हटा देते हैं, अभी देखेंगे इस पर क्या करना है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों इस तरह से आपका आ गया, यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ, उसी हिसाब से आपका क्या हो जाएगा वर्क करेगा, इसको अगर मैं
600 कर दूँ, तब देखते हैं कैसा दिखाई देगा ये। ठीक है, हाइट 600 नहीं, हाइट 200 रहने देते हैं। इसको मैं 60 कर देता हूँ, तो देखिए इमेज किस तरह से आपकी आ गई है। अब यहाँ दोस्तों मैं दे दूँगा शेडो, थोड़ा सा तो अच्छा करना चाहिए। कलर दे देते हैं रेड फेवरेट, ठीक है, रेडियस दे देते हैं 12 0 0। अब देखते हैं दोस्तों, ये देखिए कितना प्यारा आपका लग रहा है। इमेज किसके अंदर आ गई, आपके सर्कल शेप के अंदर आ गई। तो ये होता है दोस्तों इमेज पेंट करना, कि इमेज आप किसी भी तरह से इमेज पेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी, सर्किल हो, रेक्टेंगल हो, बैकग्राउंड हो, आप कुछ भी दोस्तों ग्रेडियंट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। अब आपको और भी इसमें कुछ करना है तो वो आप कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं स्केल अगर इसका 1 कर देता हूँ तब आपका ये कैसा दिखाई देगा, डिफरेंस कुछ आया? जितना स्केल आप छोटा करते जाओगे उतनी आपकी इमेज क्या होता जाएगी, छोटी होती जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपका बेनिफिट, ठीक है, कि आप इमेज पेंट कितनी आसानी से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ग्रेडियंट में इतना ही, जितने ग्रेडियंट हो सकते थे मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करें। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।